हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है द नाउन नंबर। नाउन यानी संज्ञा, नंबर वचन। देखिए, टू नंबर्स होते हैं। देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश, नंबर वन सिंगुलर, नंबर टू प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। तो सिंगुलर नंबर क्या होता है? देखिए, सिंगुलर नंबर अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग is said to be singular number. Noun जब एक व्यक्ति या एक वस्तु को डिनोट करता है, तो इंगित करता है, तो समझ लीजिए कि वहां पर एक वचन संज्ञा है, एक वचन नाउन है, यानी सिंगुलर नंबर नाउन है। जैसे बॉय, गर्ल, काउ, ट्री, बुक, पेन, ये एक एक को डिनोट कर रहे हैं। देखिए, एक लड़का, एक लड़की, एक गाय, इस तरह से। नेक्स्ट, प्लूरल नंबर A noun that denotes more than one person or thing is said to be plural number. जब noun एक या एक से ज्यादे, यानी एक से ज्यादे व्यक्ति या वस्तुओं को denote करता है, तो उस स्थिति में उसे plural number कहते हैं। जैसे boys, girls, cows, trees, books, pens, तो ये plural number जो है generally s लगा करके बनते हैं। और देखिए कि केवल ऐसे ही लगाकर बनते हैं या कुछ और भी लगाना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके रूल्स हैं, आगे देखिएगा। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके प्लूरल में एस लगा, जिनके सिंगुलर में अगर एस लगा दिया जाए तो प्लूरल बनता है। जैसे बॉय का, बॉय में एस लगा दिया तो बॉयज बन गया। देखिए, गर्ल में एस लगा दिया, गर्ल्स बन गया। पेन का पेन्स बन गया, डेस्क डेस्क्स बन गया। काउ, काउज, ट्री, ट्रीज, बुल, बुल्स, डे, डेज, रे, रेज, मंकी, मंकीज, की, कीज, गाय, गाइज। इसी तरह से कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके सिंगुलर नंबर में अंत में देखिए एस एच, एस एस, सी एच, एक्स, इस तरह के वर्ड होते हैं, या एस, ऐसे वर्ड, ऐसे लेटर्स होते हैं। देखिए, ब्रश में एस एच है, क्लास में एस है, देखिए, और किस में भी एस है, मैच में देखिए सी एच है, ब्रांच में सी एच है, तो इनमें ई एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। देखिएगा, ब्रश, ब्रशेस, क्लास, क्लासेस, किस, किसेस, मैच, मैचेस, ब्रांच, ब्रांचेस, टेस्क, टैक्स, टैक्सेस, डिश, डिशेस, बॉक्स, बॉक्सेस, क्विज, क्विजेस। इसमें ध्यान रखिएगा, क्विज में जो है डबल जेड हो जाएगा प्लूरल बनाते समय। ग्लास, ग्लासेस, बस, बसेस। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके एंडिंग जो है ओ से होती है, जैसे बफेलो में ओ है लास्ट में, तो ऐसे में ई, इनमें भी ई एस लगा करके प्लूरल बनाए जाते हैं। जैसे बफेलो, बफेलोस, पोटेटो, पोटेटोस, मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज, इको, इकोज, वॉल्केनो, वॉल्केनोज, कार्गो, कार्गोज, नीग्रो, नीग्रोज, टोमेटो, टोमेटोज। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें केवल ओ तो होता है लेकिन एस नहीं लगता है, बल्कि केवल एस लगता है, एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा इसको, इनको याद करना है। डायनमो, डायनमोज, कैंटो, कैंटोज, पियानो, पियानोज, किलो, किलोस, सोलो, सोलोस, मेमेंटो, मेमेंटोस, फोटो, फोटोस, देखिए फोटोस, ईएस नहीं होता है इसमें, ध्यान रखिएगा। लोगो, लोगोस, रेशियो, रेशियोस, क्वार्टो, क्वार्टियोस, क्वार्टोस, स्टीरियो, स्टीरियोस, कमांडो, कमांडोस। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में वाई होता है, तो वाई को रिमूव करके उसमें आई ई एस लगा दिया जाता है। वाई को हटाएंगे तो आई लगाएंगे और प्लस ई एस कर देते हैं, ये याद रखिएगा। वाई हट गया तो वाई की जगह आई आएगा और उसके बाद प्लस ई एस और ऐड कर देते हैं। जैसे डेटी, डेटीज, डेटी का मतलब होता है देव, देवदूत से मतलब है, ईश्वरीय। बेबी, बेबीज, आर्मी, आर्मीज, लेडी, लेडीज, स्टोरी, स्टोरीज, सिटी, सिटीज, पोनी, पोनीज, कंट्री, कंट्रीज,
ड्यूटी ड्यूटीज नर्सरी नर्सरीज। तो इस तरह से जो है ईएस लगा करके आई ईएस लगा देते हैं वाई को हटा। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में एफ या एफ ही होता है तो उनमें वीई एस एड कर दिया जाता है एफ को हटा करके। जैसे देखिए थीप, एफ या एफ ही को हटा देते हैं और वी एस एड कर देते हैं। जैसे थीफ थीव्स, लाइफ लाइव्स, लोफ लोब्स, हाफ हाफ्स, शीफ शीव्स, वाइफ वाइव्स, काफ काव्स, नाइफ नाइव्स, वुल्फ वुल्व्स, लीफ लीव्स, शेल्फ सेल्व्स, शेल्फ शेल्व्स, ड्वार्फ ड्वार्फ्स। अब इसमें दोनों होते हैं, एस भी लगता है और वी एस भी लगता है, दोनों सही है। ड्वार्फ्स ड्वार्फ्स, हूप हूप्स हूप्स, वार्फ वार्फ्स वार्फ्स। वार्फ का मतलब होता है समुद्र के किनारे जहाज के बैठने का जगह, जैसे हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन के बैठने की जगह, उसको वार्फ कहते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई होता है तो इनमें वी एस नहीं होता है या एक्सेप्शन होते हैं। ध्यान रखिए इंग्लिश में एक्सेप्शन बहुत है, इनको याद करना पड़ेगा आपको। तो इसमें केवल एस एड कर दिया जाता है, बस हो गया, प्लस एड प्लस एस कर देंगे, वर्ड प्लस एस कर देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। देखिए चीफ चीप्स, सेफ सेप्स, गल्फ गल्फ्स, क्लिफ क्लिप्स, प्रूफ प्रूफ्स, हैंकरचीफ हैंकरचीफ्स, रूफ रूफ्स, स्टाफ स्टाफ्स, पफ पफ्स, टर्फ टर्फ्स, मिसीव मिसीव्स, बिलीव बिलीव्स, ग्रीफ ग्रीफ्स, हूप हूप्स। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं, इरेगुलर नाउन कहते हैं, जिनमें एस नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन कहीं ए को हटा करके ई लगा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे कौन से, ओ को हटा करके ई लगा दिया जाता है। जैसे मैन इरेगुलर कहते हैं, अनियमित, मैन मैन, वुमन वीमन, इसको ध्यान रखिएगा, वुमन वीमन, इसको वीमन कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन डब्ल्यू ओ एम ई एन वीमन है। चाइल्ड चिल्ड्रन, टूथ टीथ, फूट फीट, गूस गीज, माउस माइस, ऑक्स ऑक्सन, ऑक्सेस भी होता है, याद रखिएगा। अब कुछ ऐसे नाउन हैं जो चेंज नहीं होते, सिंगुलर भी सेम और प्लूरल भी सेम, दोनों सेम होते हैं। जैसे शीप शीप, सीरीज सीरीज, स्पेसीज स्पेसीज, डियर डियर, मूज मूज, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट, डजन डजन, थाउजेंड थाउजेंड, पेयर पेयर। अब ध्यान रखिएगा डजन थाउजेंड और पेयर, इनमें जब नंबर आता है इससे पहले, जैसे वन डजन टू डजन थ्री डजन फोर डजन, इस तरह से, तो इसमें एस नहीं लगता है, ये याद रखिएगा। ये डजन ही होता है, वन डजन टू डजन, प्लूरल सिंगुलर जो भी है यही रहेगा। लेकिन जब डजन्स ऑफ करेंगे तो उसमें एस लगाना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। जैसे हम क्या कहते हैं, 1000 2000 3000 4000, यहां तक तो सही है, 5000 यानी 100000 ये भी ठीक है, उसी तरह 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर बिल्कुल सही है, इसमें एस नहीं लगेगा। लेकिन जब इस वर्ड के बाद ऑफ आता है, जैसे थाउजेंड्स ऑफ मनी, थाउजेंड्स ऑफ मनी, पेयर ऑफ शूज, डजन्स ऑफ बनानास, ये याद रखिएगा। तो वहां पर डजन ऑफ आया तो डजन ऑफ नहीं होगा, डजन्स ऑफ हो जाएगा, तो वहां पर एस लगता है, ये याद रखिए। अदरवाइज इनसे पहले केवल नंबर होता है, जैसे वन डजन टू डजन थ्री हंड्रेड लैक कुछ भी डजन हो तो उसमें केवल डजन ही होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कंपाउंड होते हैं ये, इनमें जो मेन वर्ड होता है उसमें एस लगाया जाता है। जैसे कमांडर इन चीफ कमांडर्स इन चीफ,
पासर बाई पासस बाई लुकर्स ऑन सन इन लॉ सन्स इन लॉ डॉटर इन लॉ डॉटर्स इन लॉ ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ फादर इन लॉ फादर्स इन लॉ ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ। तो इस तरह से फर्स्ट वर्ड जो होता है उसमें एस लगता है, ये याद है। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे नाउन हैं जिनमें बाद वाले में एस लगता है, तो वो क्या है, देखिए स्टेप मदर स्टेप मदर्स हो गया, यहां ध्यान रखिए स्टेप्स नहीं होगा, यहां स्टेप मदर्स, मैन ईटर मैन ईटर्स, फॉरगेट मी नॉट्स होता है, ध्यान रखिएगा फॉरगेट मी नॉट्स मीन्स यानी कभी ना भूलें की मतलब है। गो बिटवीन से देखिए पिक मी अप्स हो गया, ड्रॉबैक्स ड्रॉबैक्स, लुक आउट चौकसी करना होता है किसी चीज की निगरानी, तो लुक आउट्स हो गया, देखिए लुक्स आउट नहीं होगा लुक आउट्स, गुड फॉर नथिंग गुड फॉर नथिंग्स, माउथफुल माउथफुल्स, कपफुल कपफुल्स, नेक्स्ट हैंडफुल हैंडफुल्स। तो इस तरह से जो है बाद वाले में एस लगता है। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे नाउन हैं जो ये लैटिन नेम है, नाउन है देखिए अजेंडम अजेंडम, तो इसका अजेंडम में यू एम हट करके ए लग जाता है, अजेंडम अजेंडा, सिंगुलर में अजेंडम होता है तो उसका प्लूरल जो है ये अजेंडा होता है, ये ध्यान रखिए। एक्सेस एक्सेस ध्यान रखिएगा, इरेटम इरेटा इरेटम इरेटा, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, मेमोरेंडम मेमोरेंडा, सेनेटोरियम सेनेटोरिया, मीडियम मीडिया, ये देखिए मीडिया बन गया यहां पर, हम कहते हैं ना मीडिया ने ये किया वो किया तो वो मीडिया प्लूरल है। डेटम देखिए डेटा जो है ये प्लूरल है, हम कहते हैं ना डेटा इसके डेटा इकट्ठे करो तो उसका जो सिंगुलर होता है वो डेटम होता है, याद रखें। फेनोमेनन तो फेनोमेना या प्रोसेस कोई प्रक्रिया चल रही है, क्रिया चल रही कोई तो फेनोमेना। हाँ एलमनस एलमनस का एलमनी एलमनी एलमनस का मतलब विद्यार्थी है, पूर्व विद्यार्थी भूतपूर्व छात्र को एलमनस कहते हैं, एक छात्र एलमनी भूतपूर्व बहुत से छात्र। फॉर्मूला फॉर्मूले या फॉर्मूलाज भी होता है, इसमें ए एस भी हो सकता है, दोनों सही है, फॉर्मूला सिंगुलर है फॉर्मूले या फॉर्मूलाज ये प्लूरल है। रेडियस रेडियाई देखिए रेडियाई, इसी तरह टर्मिनस टर्मिनी, इंडेक्स इंडिसेस, ब्यूरो ब्यूरोज ब्यूरोज है, और एक और वर्ड है इसमें फंगस, जैसे फंगस भी कहता ना फंगस लग गई तो फंगस का फंजाई होता है, ये याद रखिए प्लूरल ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, हाँ मॉसोलियम मॉसोलियम का मॉसोलियम्स केवल एस लगता है इसमें, मकबरा मकबरे को कहते हैं, बहुत ग्रैंड जो मकबरा होता है उसको मॉसोलियम कहते हैं। असाइलम असाइलम्स एस लगता है केवल, पेट्रोलियम पेट्रोलियम्स, मिलेनियम मिलेनियम्स, डेमन डेमन्स, अपेंडिक्स अपेंडिसेस हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस तरह अपेंडिसेस, फोकस फोकी देखिए यूएस हट गया यहां पर आई आया फोकी फोकस फोकी हो गया। मॉन्जिया मॉन्जियर्स सम्मान के लिए आता मॉन्जियर संभ्रांत व्यक्ति, ये उसका फ्रांसीसी भाषा का वर्ड है। प्लेट्यू प्लेट्यू प्लेट्यूज ये पठार। नेक्स्ट है सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल, अब कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, देखिए इंग्लिश में एक्सेप्शन बहुत है इसलिए थोड़ा याद करने में कठिनाई होती है, संस्कृत की तरह यहाँ नहीं होता, संस्कृत में एक सिस्टम है उसका, इसमें इंग्लिश में एक सिस्टम नहीं होता, होता है लेकिन एक्सेप्शन बीच में बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। Some nouns are used only in plural. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं,
तो जैसे बेलोस, सीजर्स, टंग्स या टोंग्स, ये टोंग्स है, टोंग्स आएगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, एस में मिस हो गया है, टोंग्स होगा। पिंसर्स, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, डवर्स, बीचेस, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, इसमें भी एस आएगा, ध्यान रखिएगा, मिस हो गया ये। पाजामाज, एनल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, टाइडिंग्स, असेट्स, चैटल्स, नक्सियल्स, अल्म्स, रिचेज, ईव्स एटसेट्रा, ये सब प्लूरल में यूज होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जो प्लूरल तो हो दिखते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट का नाम है, तो ये मैथमेटिक्स एस लगा है, लग रहा है कि प्लूरल है लेकिन सिंगुलर है, याद रखिए। उसी तरह फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, न्यूज है, ये सब सिंगुलर होते हैं, इसमें एस सब में लगाया देखिएगा, लेकिन ये सब सिंगुलर है। मिजल्स, मम्स, ये बीमारियां हैं। रिकेट्स, बिलियर्ड्स, अब गेम है ये, और ड्रॉट्स, तो ये सब जो है दिखते हैं प्लूरल लेकिन होते सिंगुलर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।